सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का आग पकनेशा सीरीज के एक नया एपिसोड में। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कैसे हमने कुछ लोअर टीयर के जो बॉस क्रीचर्स होते हैं उनके साथ जो है थोड़ा बहुत बैटल किया था। सो फाइनली गाइस, हमने जो है सारे जो लोअर टीयर के जो बॉसेज हैं उन सबको डिफीट कर दिया। जैसे कि स्केलेटन टीयर के बॉसेज आते हैं उसमें, और जो करप्टेड टीयर होता है वो भी आता है उसमें, तो उन सबको गाइस हमने डिफीट कर दिया था। बस ये है कि लास्ट एपिसोड में हमने कुछ एंशियंट टर्की से जो है पंगा लिया था जो अल्फा वज्र में थी, तो उससे गाइस हमारे कुछ डायनो जो है शहीद हो गए। तो गाइस आज के एपिसोड में गाइस हम जो इसके आगे के जो बॉस टीयर होते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं आज का एपिसोड हमारा कैसा होता है, और होपफुली जो है हम इन सारे बॉसेस को टैकल करने के लिए गाइस रेडी हो। तो चलिए गाइस, फिर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आती तो प्लीज से लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर अगर नया आया तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो गाइस आपको फ्यूचर में जो है मिलती रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो गाइस, हमारा एडवेंचर पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस। तो कल हमने गाइस कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगाई थी, जैसे कि आप जैसे तो हमने एक ये जो क्लोनिंग चेम्बर है ये लगाया था। तो आई गेस अभी मेरे को इसका रीजन मालूम पड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से आप जो अपने डायनो को इसको क्लोन कर सकते हो, तो मेरे को आई गेस अभी जरूरत पड़ी नहीं किसी का, लेकिन अभी हम काम ट्राई करेंगे इसको कभी भी जो भी है। ओके, दूसरी बार मैंने कहा कुछ वॉल्स वगैरह भी लगा के देखी थी कैसी लग रही है हमारे बेस में जो भी है। और मेरे ख्याल से गाइस इस प्लेटो पर जो है थोड़ा व्यूज जो है काफी मस्त आता है, जैसे कि आप जैसे तो चारों तरफ से। तो इसलिए मैं जो है अपने बेस को कवर करने के लिए गाइस आई गेस प्लान जो है मैंने चेंज कर दिया। अदरवाइज मैं पहले सोचा था कि मैं जो है अपने बेस को कवर कर दूं, लेकिन फिर जो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बंद बंद सा लगेगा ये जो भी है। ओके, और दूसरी बात गाइस, हमने जो है ये भी लगाया था, क्या बोलते हैं हमारे जो ये प्राइमल टेक फोर्स शील्ड है, तो इसको गाइस यूज करने के लिए ना आपके पास वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं जो शार्ट होते हैं। तो इसके लिए गाइस मैंने, और जो शार्ट होते हैं ये एलिमेंट से बनते हैं, तो मैंने गाइस 100 एलिमेंट बनाए थे, और 100 एलिमेंट से गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 5000 शार्ट जो है बन गए ऑटोमेटिकली, ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो होपफुली ये इनफ है मेरे ख्याल से, जब तक हम सीरीज जो है कंटिन्यू रखेंगे तब तक ये शील्ड जो है हमें प्रोटेक्ट रखेगी। 5 minutes later सो इसमें गाइस जो नॉर्मल टीयर के जो बॉसेज होते हैं, जैसे कि ब्रूड मदर वगैरह हो गया, ये गोरिल्ला वगैरह जो आपको मेगापिथेकस वगैरह होता है, तो ये सारे तो गाइस डायनो होते हैं इसके अंदर जो भी है। लेकिन जो मेन बॉसेज होते हैं गाइस वो ये होते हैं, जैसे कि आप देखो ये है एक टेम्पेस्ट, और ये मेरे ख्याल से एक वेल है ना, और ये मोथरा है गाइस। मोथरा के बाद ये आपका थर्ड ट्रैक आता है, तो थर्ड ट्रैक तो मेरे ख्याल से स्पॉन हुआ पड़ा है, मैंने देखा था एक बारी। ओके, दूसरी बात है ये आपका स्पाइन ब्रेकर है, और फिर ये क्या है, क्या मिस्टर फिस्टर, ओ ये क्या भाई, हाँ गाइस मिस्टर फिस्टर है, ये भी ऐसे ये ह्यूमन की तरह लग रहा है लेकिन बॉस है ये भी एक तरह का। और ये है क्रैकन, एक क्रैकन भी है, और एक एलिमेंटल टाइटन सॉस भी है जो ये बॉस में आता है, और एक ये है आपका क्या स्कार्नर, हाँ जो आपका ये स्कॉर्पियन वगैरह होता है गाइस। तो इनको आप बना सकते हो, लेकिन इसके लिए गाइस ढेर सारी चीजें लगने वाली है, जैसे कि रेक्स एनर्जी लगेगी, मैंटिकोर एनर्जी लगेगी। A few moments later. तो इन सारी चीजों का मेरे ख्याल से आप अपना टेमेबल वर्जन जो है स्पॉन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इन्हें डिफीट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको गाइड में दिखा दूं, जो पग्निशा गाइड है हमारी, तो इसके अंदर ये जो टीयर है क्या बोलते हैं प्रीमेबल जो टीयर होता है, इसके अंदर जो ये डोडोरक्स वगैरह ये सब आते हैं जैसे कि आप देखो, तो इनको डिफीट करने पे गाइड आपको जो है कुछ चीजें मिलेंगी, तो उनसे जो आप ये बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरे को जो इनको डिफीट करना पड़ेगा, तो अगर हम जो है पग्निशा स्मृति में जाएंगे तो यहाँ पे गाइड ये जो ओके सो गाइस, ये यहाँ पे बॉस टेमिंग का जो फोल्डर है इसके अंदर है गाइस ये, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्राइम मीट है वही लगता है, तो जैसे कि आप देखो हमने जो है प्राइम मीट ढेर सारे कलेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को वहाँ, जो प्राइम डायनो उनको मार के। और दूसरी बात गाइस, आपको जो प्रीमेबल एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली बात है प्रीमेबल एनर्जी जो होती है जो आपके प्रीमेबल डायनो होते हैं, तो उनको आपको मानना पड़ेगा, शायद तभी जाके जो है वो एनर्जी मिलेगी। तो आज के एपिसोड में गाइस आप उन्हीं की हैंड पे चलेंगे, लेट्स सी हम उनको टेम करते हैं या डिफीट करते हैं क्या करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले गाइस मेरे को जो है इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अंधेरा क्यों हो गया भाई, रात होने वाली क्या? ओके गाइस, मेरे ख्याल से रात होने वाली, तो मैं क्या सुबह होने तक का वेट करता हूँ, फिर जो है कि सारी चीज़ जो है ब्लैकआउट हो जाएगी, फिर हमें ठीक से दिखेगी नहीं जैसे कि आपको मालूम है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा जो है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है अपना एडवेंचर कंटिन्यू करेंगे। ओके सो गाइस, मेरे ख्याल से सुबह हो चुकी है, और मैंने जो है जो डायनो है गाइस वो भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, जो प्रीमेबल जो डायनो होते हैं वो आई गेस स्पॉन होने लग गए हैं। तो यहाँ पे दो डोडो विवन जो है स्पॉन हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, एक मेंटिकोस स्पॉन हो चुका है, एक डोडोरक्स स्पॉन हो चुका है, एक फिनिक्स स्पॉन हो चुका है। ओके हाँ, फिनिक्स भी तो होता है इसके अंदर, अरे हाँ मैं भूल गया था गाइस, और जो ब्रूड मदर है गाइस वो भी स्पॉन हो चुकी है, और जो ड्रैगन है वो भी स्पॉन हो चुका है। तो एक एक करके गाइस इनको विजिट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनको हम डिफीट कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि इनको टेम करने के लिए गाइस हमें जो है इनका एक वर्जन जो है उसको डिफीट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है काम बनेगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं डोडो विवन के पास। ओके, लेकिन ये जो है गाइस ये यहाँ पे है मेरे ख्याल से, जो आपका विवरन ट्रेंच है जो वहाँ पे, अरे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसके लिए मेरे को जो है फ्लाइंग कीचर लेके जाना पड़ेगा।
ओके अब प्रॉब्लम ये है गाइस, मेरे को जो इनको डिफीट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डायनो चाहिए, तो मैं आगे किसको लेके जाऊँ मुझे खुद पता नहीं है। ओके तो मेरे ख्याल से मैं जो अपना जॉम्बी डैश जो है लेके जाता हूँ गाइस, क्योंकि ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे को उसको जमीन पे लाने के लिए जो है एक फ्लाइंग डायनो की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको जो है मैं रख लेता हूँ अपने पास। हेलो भैया, ओके कुछ है तो नहीं तुम्हारे पास? ओके कुछ भी नहीं। ओके अगर इन दोनों को भी मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि इनको मैंने जो अभी तक किसी बैटल में यूज़ नहीं किया। आई गेस हमारे कॉन्फिगर रेक्स को मैंने यूज़ किया था, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं कर पाया कभी, क्योंकि इसका सैडल गाइस मालूम नहीं क्या है, लेकिन इसका सैडल आई गेस बना नहीं है अभी तक। तो मैंने आगे थोड़ा बहुत छानबीन की है गाइस इसके ऊपर, और मुझे मालूम पड़ा है कि जैसे कि आप देखो इसकी इन्वेंट्री में जो है लिखा हुआ है कि कम विद इट्स ओन सैडल। तो ये जो भाई साहब है अपने सैडल के साथ खुद आते हैं, मतलब जब आप इनको टेम करते हैं तो इनके इन्वेंट्री में जो इनका सैडल होता है। लेकिन गाइस जब मैंने इनको टेम किया था तो मैंने कहा इसको जो अपने बॉल में डाल लिया था, तो अगर जब भी आप किसी डायनो को जो है बॉल में डालते हो तो उसके अंदर का जो इन्वेंट्री है वो यहीं पर छूट जाती है, और मैंने इस पर ध्यान दिया नहीं। तो बाद में जब मैंने घर लेके आया, मैंने खुद का सैडल बनाया, तो वो गाइस वर्क नहीं किया इस पे, तो इसलिए इसको मैं कलर टेम मैं ट्रेन तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे एक बार। ओके Many minutes later. अब बस प्रॉब्लम ये गाइस कि मेरे को जो है उस लोकेशन पर जाना है, उसको थोड़ा ऐसी जगह लेके आना जहाँ पर मैं जो उसको डिफीट कर सकूँ। ओके और मेरे ख्याल से मैंने पहला जो डायनो है वो फ्लाइंग क्रीचर चुना है, तो ये आएगा हमारे डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके तो लेट्स सी गाइस ट्राई करते हैं, फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कितने स्ट्रॉन्ग है ये। ओके और यहाँ पे गाइस वो रेक्स कहाँ गया मेरे ख्याल से, जो गीगा सॉरी। ओके तो यहाँ अच्छा देखो वो चला गया, वो तो गीगा जो गाइस यहाँ पे स्पॉन हुआ था अल्फा वर्जन में स्पॉन हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी आएगा हमें अगर इसके पार्टनर की जरूरत हमें पड़ी तो हम ट्राई करेंगे इसको टेम करने की। ओके और गाइस जैसे कि आप देखते हो जो बॉस क्रीचर्स है उनके ऊपर ऐसी हेल्थ बार आती है, तो वो जो है जब स्पॉन होते हैं तो आपको जो है ऐसी हेल्थ बार दिखेगी। ये देखो मैं आपको थोड़ा मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्कार ना रहेगा जो हमारा बॉस है, और 190 मिलियन जो है इसकी हेल्थ जैसे आप देख सकते हो। ओके तो मेरे ख्याल से आपको जो है पहले इसको डिफीट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसके जो जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी इसको डिफीट करने से, उससे जो है आप एक टेमेबल वजन जो है ला सकते हो इस वर्ल्ड में, और फिर आप जो है इसको नॉकआउट करके जो है टेम कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी है गाइस टेमेबल जो है ये के ओड है, मतलब नॉकआउट का टेम है ये। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पहले हमें डिफीट करना पड़ेगा। ओके ओ देखो और देखो मोथरा भी है गाइस यहाँ पे, ओ भाई साहब। तो ये भी देखो ड्रॉप वॉल्केनिक बूट रो हैज टू बीम अटैक रिफ्लेक्ट डैमेज एंड प्लेग बॉम्ब। ओके और होपफुली गाइस अग्रेसिव ना हो। तो भाई यहाँ पे आइस गोलम भी है, रॉक एलिमेंट है आइस वाला। ओ भाई ओके ओके तो गाइस जैसे कि आप देखो जो और यहाँ पे गाइस स्पाइन ब्रेकर भी था एक, देखो वो रहा ये देखो। ओ भाई इन पे सॉन्ग चलते है क्या? अरे गाइस ओके भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, इन पे अगर सॉन्ग चलेगा तो मैं इनको डिफीट कैसे करूंगा यार। ओके सो गाइस फिलहाल के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे उसके पास जो हमारा डोडो विवेन है, ये देखो ये रहा। तो ये गाइस हमारा डोडो विवेन, ओ भाई ज्यादा हेल्थ नहीं है इसकी वर्ड, अरे मैं खामखा डर रहा हूँ गाइस इसी से ज्यादा हेल्थ नहीं है इसकी। तो बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है मैं जब ओके ये बस अग्रेसिव ना हो मेरे ऊपर, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो ये होपफुली कुछ करे ना बस। चूंकि गाइस प्रॉब्लम ये है कि जो मैं अपना वो है क्या बोलते हैं जो हमारा रेक्स है ज़ॉम्बी रेक्स, उसको मैं ऐसे ट्राई नहीं कर सकता, मेरे को पहले जो है इसके बाहर निकलना पड़ेगा। ओके यहाँ पे ज़ॉम्बी रेक्स भी है भाई खुद का अपना। ओके ओके तो ज़ॉम्बी रेक्स भैया आप बाहर जाओ यहाँ से, और लेट्स सी अब जो है मैं ट्राई करता हूँ, या एक मिनट मैं पहले ना इसको रख लेता हूँ, अदरवाइज ये जो है हमारा सही हो जाएगा खामखा। तो ये क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको डिफीट कर सकते हैं। मैं भाई अटक गया मैं, ओके सॉरी। लेकिन जो बाकी के जो खतरनाक जो डायनो है जैसे मोथरा वगैरह हो गए, इनको गाइस मैं रैंडम जो अपने डायनो है उनसे लड़वाऊंगा, मैं खुद लड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा उनके बीच में। ओके ओबे भाई इसको मैं ट्रेन नहीं किया क्या? ओ भाई ये क्या चक्कर है 60 का डैमेज कर रहा है गाइस ये तो। ओके गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो गई मेरे ख्याल से, मेरे को थोड़ा उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी, मेरे ख्याल से ये जगह काफी मस्त होगी ट्रेन करने की इनको। अल्फा फायर भी बने, ओ भाई अल्फा फायर भी बना, और मेरे ख्याल से 900 केस की हेल्थ है व्हाट। ओके और गाइस मरने वाला, चलो कोई नहीं भाई। ओके मेरी हेल्थ आएगी ठीक ठाक है अभी, तो मैंने कहा अपना जो आर्मर है उसको अपग्रेड कर लिया था, तो इस वजह से जो है मैं आगे सभी तक। ओके कॉन्फिगर रेक्स भी है यहाँ पे, नॉट बैड। कितनी हेल्थ हो गई इसकी, अरे वाह गाइस। ओके ओके और थोड़ा अटैक बढ़ाते हैं इसकी, 100K कर देते इसका अटैक जो है, तो थोड़ा ज़्यादा डैमेज करेगा ये, और जितना ज़्यादा डैमेज करेगा आएगा उतना ही बेस्ट है हमारे लिए। ओके 98 रह गया। ओके थोड़ा बहुत, ओ भाई ये क्या था, ये कैसे ग्लाइड था।
ओ भाई 100 एंड अरे ये ले बेटा ये ले बेटा, आजा बेटा आजा, तू बैठा ये ले ये ले ये ले ये ले। ओके थो ओके 4 लेवल सकर आ गई, नॉट बैड। ओके ठीक है, ओके तो मैं कहीं मेरे ख्याल से रेडी है जो भी, और यहाँ पे जो यहाँ पे ढेर सारे आपको वो मिलेंगे, विवन भाई साहब, विवन का आएगा वो भी लाइटिंग विवन का 1000 लेवल का। ओके तो गाइस विवन वगैरह नहीं चाहिए हमें क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग होते नहीं है, तो आप चलते हैं हमारे डोडो विवन पे, लेट्स सी देखते हैं कितना स्ट्रांग है ये। ओके सो कम ऑन आ जाओ भैया, और डरना नहीं है इस वक्त, मतलब पीछे नहीं भागना जो भी है। ओए ओए अग्रेसिव नहीं है वो, नहीं है तो क्या मार तो रहा है, व्हाट? अबे ये मार के पहले बैठ गया, ये क्या चक्कर है भाई, ये अग्रेसिव नहीं होते गाइस मेरे ख्याल से। खैर कोई नहीं गाइस, इसकी जो हेल्थ है वो 200K है, मतलब 200K से ज्यादा ही है, तो लेट्स सी। अबे भाई 120K, व्हाट? ओके तो मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है गाइस ये, आई गेस इसको मैं डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन जो इसका टोरपोर है वो कुछ ज्यादा ही है, जैसे आप देख सकते हो 3.6 मिलियन का टोरपोर है इसका, और ये लो लेवल पे था, एक और है जो उससे हाई लेवल पे है, तो इसलिए मैंने उसको टेम करने के लिए छोड़ा हुआ है, तो इसको मैं डिफीट करूंगा, क्योंकि जब तक आप इनको डिफीट नहीं करोगे जब तक आप जो इनको टेम नहीं कर सकते। ओ भाई हेल्थ फुल हो गई इसकी, ये ले बेटा ये ले बेटा, दो दो बाइट में चला गया तो। ओके ओके और गाइस मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें चाहिए देखो ये रही डोडो विवन एनर्जी। ओके तो गाइस ये चाहिए था हमें, तो इसी से जो है हम जो इनको टेम करने के लिए जो चीज़ें होती है वो हम बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं एक को डिफीट करूंगा तब जाके मुझे जो है जो चीज़ मिलेगी। ओके गाइस तो मेरे ख्याल से मैंने उसको डिफीट कर दिया और फाइनली हमें जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई है गाइस, तो आप जो है हम वापस चलते हैं और फिर जो है हम किसी डोडो विवन को टेम करने के लिए, या मैं सोच रहा हूँ कि किसी और डायनो को तलाश करूँ मेरे ख्याल से। 3 hours later. Okay, so guys, मैंने जो है एक प्राइमल डोडो विवन जो है डिफीट कर दिया, तो ये जैसे जैसे कि आप देखो 2000 लेवल से ऊपर का है, तो इसको हमें टेम करने के लिए छोड़ूंगा। बाकी एक डोडो रेक्स भी है गाइस, ये भी 2000 लेवल पे है, एक फिनिक्स भी है गाइस, तो मेरे को फिनिक्स देखना है फिनिक्स कैसा दिखता है। ओके और भाई ब्रूड मदर भी है। ओके सो गाइस देख, हम ब्रूड मदर को भी टैकल कर सकते हैं, तो इससे भी जो है हम वो ले सकते हैं, लेकिन ये गाइस अदर, ओ भाई ओके गाइस ये तो बहुत ही नीचे की तरफ है, तो ओके ओ नहीं ओके हम थोड़ा ऊपर की तरफ है। ओके सो गाइस एक फिनिक्स को देख के आता, लेट्स सी मैं देखा नहीं फिनिक्स क्या है, तो लेट्स सी मैं फिनिक्स को ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले जो है मेरे को ये मैं फ्लाइंग करके जाऊँ, ओके फ्लाइंग करके नहीं मेरे ख्याल से मैं रॉक्स इसकी तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा फास्ट है गाइस। 5 hours later. ओके सो गाइस हम उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जो है हमारा फिनिक्स हमें मिलेगा। ओके अब लेट्स सी मेरे को ये देखना है कि मेरे को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फिनिक्स है वो ऊपर की तरफ है। ओके और यहाँ पे जो गाइस फाइट चल रही है अल्फा स्पाइनो के बीच में, और ओ भाई मार भी दिया उसने, और होपफुली हमारे पर भी अग्रेसिव हो गए। ओ ये रहा फिनिक्स भाई, मिल गया मेरे को फिनिक्स, ये रहा गाइस। ओके अरे हट जाओ भैया मारे जाओगे, ये देखो। ओके सो गाइस फिनिक्स मिल गया हमें, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पा रहा उसको, एक मिनट। ओके ये रहा स्काउट भी घूम रहा। ओके तो भाई कैन लैंड प्रेस द सी की ट्वाइस विल किल हिम, व्हाट? ओ रिजल्टिंग इन एन एग दैट कैन बी हैच। ओके सो ये अपने आप से जो एग है गाइस वो भी प्रोड्यूस कर सकता है ये अपने आप को किल करके, जैसे नॉर्मल फिनिक्स करते हैं, लेकिन इसका भी ट्रोपो गाइस 3 मिलियन के करीब है जैसे कि आप देख सकते हो, तो इतना ट्रोपो जो है हमें करना पड़ेगा ऑब्वियसली बात है। और ये भी गाइस वही चीज खाएगा, सैटिएटिंग न्यूट्रीमेंट पता नहीं क्या कोई आइटम है ये इस नाम से, तो ये चीज खाते हैं जो प्रीमेबल जो डायनो होते हैं। ओके और मैं इसको क्या डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन बहुत हाई लेवल पे है, तो मैं सोचा उसको टेम करने की है ना, 2016 लेवल पे है ये। अब मुझे नहीं मालूम कि जो इस सर्वर की जो मैक्स लेवल है वो क्या है, मुझे लगा था मेरे ख्याल से जो नॉर्मल डायनो है उनकी जो है 1680, और जो ये क्या बोलते हैं आपके जो बॉस क्रिएचर है इनकी 2000 से ऊपर की लेवल है मेरे ख्याल से। ओके तो अभी फिलहाल के लिए वापस चलते हैं मेरे ख्याल से। 5 minutes later. ओके गाइस तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने बेस में, और लेट्स सी आपने जो है जो आइटम जिसके लिए हमें चाहिए होगा इनको टेम करने के लिए, तो वो बना लेते हैं पहले, और होपफुली वहाँ पर गाइस सारी चीजें हैं अभी। तो ये लो भैया ये आपको एनर्जी है, और ये है आपका बॉस टेमिंग फूड, तो जैसे आप देखो तो गाइस इसके अंदर जो है एक प्रीमेबल एनर्जी लगेगी, तो मैंने जो है एक प्रीमेबल डायनो को डिफीट करके जो है एनर्जी पा ली है, तो यहाँ से जो है आप इसको बना सकते हो लेट्स सी, तो बना लेते हैं। तो ओके तो फाइनली एक जो है ये बन चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जो है टीम उसको टोरपो करने के लिए अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरे को ये देखना है। तो वैसे मेरे पास ढेर सारे आइटम्स है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन 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 एक चीज़ देखनी है मेरे को। ओके हाँ सो अगर मेरे पास जो है एक ये पड़ा हुआ है क्या बोलते हैं कंपाउंड एरो है ना, कंपाउंड बो सॉरी,
तो अगर मैं ये कंपाउंड वो यूज करूँ अपने एफएम के ट्रैंकर से तो यूज होगा क्या ये? ओके नहीं होगा यार ये, है ना? अरे नहीं होगा गाइज ये। ओके हाँ, जो कंपाउंड एरो है गाइज वो कंपाउंड बो पे यूज होता है, जो नहीं मेटल एरो पे यूज होता है ना। ओके मेटल एरो कहाँ बनते हैं भाई? ओके सो गाइज मेटल एरो मेरे ख्याल से नॉर्मल वाले हैं यार, ये वाले नहीं है क्या बोलते हैं। ओके हाँ गाइज, तो मेरे ख्याल से जो डार्ट्स हैं वो यही है सबसे स्ट्रॉन्ग है डार्ट, यही है, इसके बाद और कोई डार्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे को आएगा इसी पर स्टिक रहना पड़ेगा जो भी है। 2000 years later. ओके गाइस, तो गाइस मेरे ख्याल से हम रेडी हैं फाइनली हम डायनो को जो है टेम करने के लिए। और गाइस जैसे कि आप देखते हो मैं जो है अपने कार्नो को लेकर जाऊंगा, तो मैं लेट्स सी ट्राई करता हूँ इससे, तो इससे जो है क्या पता है ट्रोपो कर ले ठीक से, क्योंकि जैसे कि आप देखते हो तो मेरे को जो है मिलियंस के अंदर जो है ट्रोपो करना है, और जाहिर सी बात है मेरे को जो है ये यूज करना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम ये है गाइस का इसका जो अटैक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि मैं इसको ट्रोपो कर सकता हूँ क्या उसको बिना मारे, तो मेरे को जो है ये ट्राई करना पड़ेगा। और गाइस हमने जो है अपने हेल्थ पोशन भी रख लिए इनकेस हमें इमरजेंसी में काम आ जाए, तो इसी होगा लेके चलते हैं लेट्स सी। तो डोडो विमन जो है वो उधर की तरफ है, और होपफुली जो है हम इसको ट्राई करें। और मेरे ख्याल से ये डैमेज होगा क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ये। हाँ ये देखो हाफ हेल्थ चली गई इसकी, बस अच्छी बात ये कि गाइस थोड़ा फास्ट चाहिए तो ये हर चीज़ को आउटरन कर देता है। ओके और मेक श्योर गाइस मेरे को जो वहाँ पे बॉस है उससे पंगा नहीं लेना, तो भाई यहाँ पे डोडो विमन था ना उसकी तरफ जाना मेरे को। ओ भाई बहुत जल्दी आ गया। ओके डोडो विवन अबे भाई डोडो विवन, ये तो डोडो विवन नहीं है, तो डोडो रेक्स है ये तो। ओए नहीं बैड हो गए। ओके गए थोड़ी ये थोड़ा बैड हो गया, ये डोडो विवन नहीं है भाई, ये डोडो रेक्स है। एक चक्कर है मर गया क्या वो डोडो विवन? अरे यार सेट ओके, एक मिनट मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा। अरे हाँ गए डोडो रेक्स है, डोडो विवन मर गया। ओके तो भाई मेरे को जो इसी पे जो है ट्राई करना पड़ेगा, लेट्स सी। अब प्रॉब्लम ये गाइस कि मैं इसको ट्राई करके, ओ भाई इसका 1.4 मिलियन है, बकायदा मैं ट्राई करके देखता हूँ, लेट्स सी इसके ऊपर ट्राई करता हूँ पहले मैं कितना डैमेज कर रहा है ये। है उधर मत जा यार, यहाँ पे रॉक ड्रेक भी है। ओके ओ भाई वहाँ पे विवन वगैरह घूम रहा है, रॉक ड्रेक भी है यहाँ पे। ओके नहीं रॉक ड्रेक तो पहले ही मर गया। ओके गाइस मेरे को कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसमें मेरे को, ओ भाई मेरे को इसी पर करना पड़ेगा ट्राई कि कितना कर रहा है। भाई रुक जा, भाई रुक जा यार। ओ लग गया। ओके ओके कितना हुआ? ओ भाई ओके 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 नहीं ऊपर तो ढेर सारे विवन है नहीं। ओके और गाइस ये जब भी उड़ता है ना ये डैमेज खाता। ओके अरे गाइस इसने ओके 250 के करीब जो है ट्रोपोर किया है। अरे गाइस मेरे को मेरे ख्याल से ओके, तो गाइस इसको सुला तो देगा लेकिन जो है मेरे को इसको रिकवर होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और मुझे नहीं मालूम कितना स्ट्रॉन्ग है वो। ये देखो ये कर तो देगा 8 हिट के अंदर, मेरे ख्याल से 8 से 10 हिट के अंदर, लेकिन मेरे को जो है इसको रिकवर करने के टाइम देना पड़ेगा। और भाई मैं ना मर जाऊँ के चक्कर में। ओके 1 पॉइंट हो गया मेरे ख्याल से। ओके कवन। ओके हो गया गाइज, अरे यार लेकिन फंस गए, नहीं मैं फंस गया। ओके नहीं बच गया। ओके सो गाइस मेरे को ये वाली स्ट्रैटेजी जो है यूज करनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को जैसे आप देखते हो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही कम है। देखो ये दो बार में तीन अटैक में मर जाएगा ये। ओके क्या करेगा गाइस, ट्राई करें क्या? मुझे मालूम भी नहीं है कि कैसे कैसे अटैक करता, बस मैं ना मर जाऊँ उसके चक्कर में। ओके लेट्स सी, ओए एक मिनट, हाँ मेरे को ना एक चीज़ देखनी है, जस्ट अ सेकेंड मेरे को एक चीज़ देखनी है। भाई ओके डायनो ट्रैकर खिला रखा है गाइस मैंने इसको, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं इसको वापस बुला लूँगा। ओके तो लेट्स सी गाइस ट्राई करते हैं डोडोरेक्स के ऊपर। आ जाओ भैया डोडोरेक्स, भैया आ जाओ। ओके होपफुली बस मैं ना मर जाऊँ यार। ओके अरे भाई ओके गाइस ओके, तो टाइम लगेगा थोड़ा मेरे को, थोड़ा रिकवर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा इसको। ओके इससे पहले किसी हेल्थ जो है, ओ भाई मैं किसको मार रहा है ये? ओके गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। ओके इसकी हेल्थ जो रिकवर हो गई। ओ भाई यहाँ पे क्या कौन मार रहा है अटैक, ये यही कर रहा है क्या? ओ गाइस ऐसे करता है क्या अटैक? ओके एक और एक और एक, ओ नहीं ऊपर से। ओके गाइस ये तो डेफिनेटली कुछ अटैक करता भाई स्ट्रॉन्ग वाला।
ओके ओके 1 मिलियन हो गया गाइस इसकी, लेकिन इसके मेरे को हेल्थ से रिकवर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। लेट्स सी। और मेरा जो कार्नो है अभी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से मेरा कार्नो पानी के अंदर फास्ट है, इसको पानी के अंदर लेके जाऊंगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम ना हो जाए बस ये है। ओके ओके 1.5 हो गई, नॉट बैड नॉट बैड। कार्नो तुम ठीक कर रहे हो डेफिनेटली। ओके बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओके ओके दोबारा रिकवर हो रही है इसकी हेल्थ से, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। ओके कौन 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 हो जाओ, जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ जल्दी जल्दी जाओ। ओके आ रहा भैया एक और। ओके 2 मिलियन हो गए गाइस, तो 3.8 मिलियन करनी है मेरे को। और होपफुली हमारी हेल्थ जो है अभी ठीक ठाक है, अभी ज़्यादा हेल्थ से नहीं जा रही हमारी, और हमारी हेल्थ भी ठीक है, मतलब हमारी डायनो की तरह हमारी दोनों जो एकदम ठीक ठाक है। ओके भाई ऐसा अटैक करता ही है, ओके वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। ओके ओके तो इसकी हेल्थ जो है फुल हो गई दोबारे। ओके 2.5 हो गया, नॉट बैड। अच्छा इसके पे लिखा हुआ है गाइस ये बॉम्ब छोड़ता है, हैज अ क्लस्टर बॉम्ब फायर वर्क स्टाइल अटैक। ओके हाँ पता लग गया, तो ये छोड़ रहा है बॉम्ब। ओके कमान उसकी हेल्थ जो है फिर से हो गई दोबारे। कमान कमान कौन 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 कौन। ओ भाई हाफ हेल्थ पे लिया है मुझे। ओके गाइस 3 मिलियन हो गई, नॉट बैड। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो वैसे मैं अपने सुपर स्पीड से गाइस इसको आउट रन कर सकता हूँ आई गेस से, लेकिन ओह ओके 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 हाँ गाइस मैं अपने सुपर स्पीड से आउट रन कर सकता हूँ इसको, मैं ये भाग नहीं पा रहा इतना फास्ट। अरे वाह नॉट बैड, लेकिन मेरे को भागने के लिए जगह चाहिए गाइस, मेरे को भागने के लिए जगह नहीं मिल रही बस। ओ भाई मैंने गलती कर दी, इसके अटैक में आ गया मैं बीच में। आ जाओ भैया आ जाओ। 1 ओ हो गया ना। अरे गाइस फाइनली। ओ अरे यार नहीं, ओए भाई उसको तो डैमेज नहीं होगा ना। ओके इसके अटैक से मेरे ख्याल से किसी को डैमेज होता नहीं है गाइस मेरे ख्याल से, है ना। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ढेर सारे कॉन्फिगर क्या मेविंग है। ओके सो गाइस लेट्स सी, हम आई गेस हम अपने आइटम लेके आए हैं होपफुली, तो बस को खिलानी है। ये लो भैया तुम्हारा। अरे भाई हो भी गया, नॉट बैड। ओके 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 गाइस ओके, तो गाइस फाइनली हमने जो एक गाना जो है टीम कर लिया जो आई गेस प्रीमियम डोडोरेक्स, तो इसको गाइस नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई करेंगे, अभी जो है टाइम हो चुका है तो मेरे ख्याल से मैं इसको। ओ भाई ये तो नहीं आता ना अपने सैडल के साथ, क्योंकि गाइस मालूम नहीं मैं दूसरी गलती। ओ भाई नहीं आता है गाइस, ये सैडल के साथ आता अपने। ओ गाइस ये तो रखना चाहिए, क्योंकि मैं गाइस मैंने जो अपना वो है क्या बोलते हैं जो मेरा स्पाइन हुआ गाइस मैंने उसके साथ ये गलती कर चुका हूँ मैं, तो मैंने उसको वो जो है सैडल के साथ आता था, लेकिन मैंने उसको सैडल जो है गवा दिया। जो भी है ओके सो मेरे ख्याल से गाइस आप चलते हैं वापस अपने बेस में, और लेट्स सी अभी इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जो है मैं इनको ट्राई करूंगा भाई साहब कितने स्ट्रांग है ये। ओके तो जल्दी से गाइस हम अपने न्यू फ्रेंड को जो है बाहर निकाल लेते हैं। और भैया ये लो तुम्हारा सैडल, तुम्हारा सैडल जो तुम्हारे साथ आया था, होपफुली लग जाए, है ना। हाँ ओके ठीक है लग गया गाइस। ओके और मुझे देखना इसका स्टैट कैसे है। अरे भाई ये तो मिलियन की है, अच्छा नहीं मिलियन की हेल्थ थी नहीं ना इसकी, तो टोरपो था मिलियन का तो, है ना। हाँ ओके तो हेल्थ में थोड़ा इंक्रीज हुआ है डेफिनेटली, तो लेट्स सी गाइस जो। और भाई इसकी लेवल कम कैसे हो गई समझ नहीं आया मेरे को, ये 2000 लेवल पे आया था गाइस, ये 1700 1799 पे कैसे आ गया ये। ओके आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है इसमें, लेवल का कुछ ना कुछ सिस्टम थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारा रॉक ड्रेक था गाइस उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी, जो हमने रॉक ड्रेक जो है निकाला था यहाँ पे कहाँ पे गया ये रहा। ओके तो ये भी गाइस 2000 लेवल के ऊपर था, लेकिन जब ये निकला तो 280 लेवल पे था, और ये भी भाई साहब जो इसकी जो लेवल थे वो भी कम हो गई। ओके खैर कोई नहीं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में इसको ट्राई करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ओके सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आज के एपिसोड में इतना ही। और गाइस फाइनली आज हमने जो है एक बॉस जो है उसको टेम कर लिया जो डोडोरेक्स है, और इसी तरह से गैर बाद आगे के जो एपिसोड उनमें हम जो है एक एक करके जो है सारे के सारे बॉसेस को जो है टेम कर लेंगे, और फिर फाइनली जो रियल बॉस है जिनको हमें डिफीट करना है उनसे जो है इनको टैकल कराएंगे। लेट्स सी देखते हैं कैसा जाता है हमारा एडवेंचर। तो चलिए गाइस फिर आज के एपिसोड में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, और गाइस अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपका फ्यूचर में जो है मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए